कलाकारों को और किन्नौर के जितने भी गीत संगीत से जुड़े हैं उनके लिए अपने वाणी के द्वारा यहाँ पर थोड़ा प्रस्तुति रखें। आपका स्वागत है। आदरणीय उड़ान समाज सेवा किन्नौर एनजीओ अध्यक्ष श्री हरविंदर सिंह जी, उप प्रधान श्रीमती विमला देवी जी, सचिव कुलदीप जी, सह सचिव लक्ष्मी देवी जी, कोषाध्यक्ष संतराम जी, सलाहकार बागीराम जी, सदस्य सन्नी सन्नी किरण, भावना राजेश्वरी, शकुंतला अविनाश, रवि तारचंद और अन्य आदि। एनजीओ उड़ान समाज सेवा किन्नौर आज किन्नौर में ही नहीं पूरे हिमाचल में अपना नाम कमा रहा है। मुझे काफी समय पहले से इनका नाम सुनाई दिया था और आज मैंने इनको अपने वक्तव्य से, अपने कार्यक्रम से यहाँ देखा और इस मंच पर विराजमान गणमान्य दर्शक जय साहब और सुहान नेगी जी, नीरज जी और चौहान देव जी और अपने सर सरदार जी, आपको तो मैंने बहुत बार फेसबुक के लाइव चैनल पे देखा और मैंने सोचा पता नहीं ये व्यक्ति कौन है, रियल सरदार है या कोई अन्य कलाकार है, तो आपसे आप मिलकर भी बड़ी खुशी हुई। सुहान जी, इनके लिए क्या कहना, इनके लिए जितने भी शब्द कहो उतने कम है। बहुत ही छोटे समय से इन्होंने प्रयत्न किया, आज आप जानते हैं कि इनका मुकाम कहाँ तक है। नीरज जी, आपकी पढ़ाई सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, कुछ तो अचंभित होते हैं कि आपने क्या किया और हम तो बहुत ही खुश हुए कि आपने ये क्या किया। चौहान देव जी, इनके साथ भी काफी मुझे काम करने का मौका मिला और चौहान देव जी जो यहाँ आपके बीच में जज के रूप में बैठे हैं, इनके बारे में भी कहना चाहूंगा। ये अभिषेक सभी जानते हैं, पानवी से हैं और इनके साथ दो बार कार्य करने का मौका मिला, एक बार दोनों टाइम एसजेवीएन के साथ काम करने का मौका मिला। जब नेपाल के प्रधानमंत्री जी, उनका नाम भी था प्रचंड दैलक, तो वो झगड़े में आए थे और उनके स्वागत के लिए मुझे एसजेवीएन ने कहा कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, कृपया आपने अरेंजमेंट करना। तो मेरी नजर सी रही चौहान देव जी पर गई कि ये जो बेहतर कर सकते हैं, तो आज इनकी जो फोटो है, इनकी जो तस्वीर है ना, नेपाल के वहां राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में दिया है। और जब वहां पर मुझे जाने का मौका मिला, जब इनके साथ जाने का मौका मिला, तो रियली उसके बाद मुझे नेपाल काठमांडू जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो वो लोग, कुछ लोगों ने मुझे पहचाना था वहां पर ना, तो उन्होंने मुझे वहां पहचाना, मैंने खुद बात की और जब उन्होंने हमारे किन्नौरी वेशभूषा पर उनकी टिप्पणी की, उनकी बहुत अच्छी बातें की, तो मुझे एक घड़ी लगा कि मैं किन्नौर में ही हूँ और हमारी वेशभूषा कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है। मैं सॉरी थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, आप सभी जानते हैं मुझे और मैं आप सभी को जानता हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, इस बात के लिए थोड़ा क्षमा करें, नहीं तो पूरी बात मन में रह जाती है, फिर रात को सोचते रहता हूँ ओहो मैंने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, फिर डर में लड़ाई करता हूँ। तो मैं थोड़ा कोई बात मजाक में भी कह लेता हूँ, तो इस बात को यहीं तक रखना, वैसे गलत नहीं बोलता हूँ और मजाक में मैं सच बोलता हूँ। मेरे भाई राम भगत नेगी जी और डॉक्टर आनंद साहब, बहन बिमला जी और उड़ान सभा उड़ान के सदस्यगण, ये छोटे भाई, इनको मैं जानता नहीं था, तो इन्होंने क्या काम किया पिछले साल, देखो दुख और दर्द हर किसी को नहीं होता है। एक लास्ट ईयर इन्होंने एक विचार में किसी वृद्ध
अवस्था में कोई महिला को देखा, इनके मन में क्या भावना आई कि मैं इनकी सेवा करूंगा। और काफी इन्होंने प्रयत्न किया और लास्ट में पता नहीं इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने पूरी सेवा करनी चाहिए। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं और कहने के लिए बहुत है, बहुत सारी बातें हैं। छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची, इन्होंने इतना सा, क्या नाम है इनका, शीतल, मुझे तो यह नाम याद नहीं रहता है, शीतल गुड़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाना गाया इन्होंने, बहुत आगे जाएगी। एक बात याद रखना, मैं भी इसी समाज से हूँ, इसी गांव का हूँ, कोई दूर का नहीं हूँ। हम जब कुछ करते हैं थोड़ा सा रास्ते से भटक जाते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़े अच्छे नंबर लाना शुरू कर देते हैं, फिर लोगों की वाई वाई में हम खुश हो जाते हैं, पड़ोसी कहते हैं आह आपका बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, हम कुछ बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। मेहरबानी करके आप सभी से निवेदन है, थोड़ा बच्चा पढ़ने के बाद उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके व्यवहार को भी ध्यान रखें। हमारे किन्नौर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कुछ एक समय के बाद बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं, तो इस प्रथा को भी बहुत जल्दी हमने तोड़ना है, ये हमारा इस तरह प्रयास रहना है। अगर मेरी बात बुरी लगी तो माफ करना। आज ऐसी नौबत आ गई है, बच्चे बच्चियां शादी तो कर रहे हैं, काम सभी करते हैं। हमने भी काम किया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं बहुत नालायक बच्चा था, पढ़ती थी मैं, माँ से तंग हो गया था, मैंने स्कूल छोड़ दिया, प्राइवेट स्कूल में नीचे, वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा थी, तो घर से तो फीस दे नहीं सकते थे। मैंने खुद यहाँ ग्राम पंचायत सुमरा में टैंक निर्माण का कार्य चलता था, मैंने खुद यहाँ अमर लाले के यहाँ दुकान से सीमेंट का कट्टा ढोया, तब जाके वहाँ गया, तब जाके फीस पूरी की। मैं छोटा सा उदाहरण इस तरह देता हूँ, बाकी तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। कमियां सब में होती है, आदमी में कमियां बहुत होती है, कमियों को ना देखें, उसकी कला को देखें, उसको निखार, उसका जो निखरा हुआ रूप है उनको देखें। हर आदमी में कमियां होती है, हर आदमी में गुण होते हैं, तो हमने गुण को देखना है, नजर बाकी चीजों को नजरअंदाज करना है। अब थोड़ा सा पाँच मिनट ज्यादा टाइम हो, 5 मिनट और टाइम मिलूंगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा कलाकार भी हूँ, सन 1999 से लेकर आज तक इस भगवान नगर के रामलीला मंच में मैं एक कलाकार के रूप में कार्य करता हूँ। और इस जो कला मंच है, इस कला मंच में जो बोलता है, जो सुनता है, जो कला करता है, जो कला पर कोई स्टेज हो, ऐसा नहीं कि रामलीला मंचन की बात कर रहा हूँ, चाहे एक छोटी सी स्टेज हो जहाँ आपको अकेले बोलने का मौका मिले, वो बहुत बड़ी चीज है। अदरवाइज तो इस मंच पर आने के लिए आज के टाइम में तो मैं कलीर कह रहा हूँ, जींस की पैंट होती है, जिसको कंपन हो रही है ना, नजर नहीं आती है। जब हम मंच पे जाते थे हमारी वो पतली सी पैंट होती थी और क्रीज होती थी और वो कंपन होते हुए साफ दिखती थी कि मैं खुद कांप रहा हूँ। कंपन अपने आप में पता होनी चाहिए कि मैं कांप रहा हूँ। कमी अपने अंदर अपने को पता होना चाहिए कि मुझ में ये कमियां हैं। जजेस तो डांटते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जज का काम है, क्योंकि जिसने जो कला की है, जो जिस चीज में इन्होंने अपनी डिग्री की हुई है, तो डिग्री करने वाला आदमी कोई मामूली नहीं होता है, बहुत मेहनत करके, दिन रात एक कर करके इन्होंने मेहनत की होती है और आप सभी को निखार रहे हैं। लास्ट में प्रतिभागी है इतने सारे आपके, आप लोगों ने इतना काम किया, 40 कैंडिडेट बताए, रिकॉर्ड किया, आज इतने दिन से आप लगातार कार्य कर रहे हैं, और एक टाइम तो आदमी थक जाता है कि यार छोड़ क्या करते हैं। आपने ऐसा जज्बा रखा है, नहीं थके नहीं है, अभी हमने और करना है। तो आपसे निवेदन रहेगा, एक तो आप जी ने मुझे कल नहीं बताया कि प्रोग्राम करना है और इन्होंने एकदम मुझे बुलाया, मैं किसी का मनोबल तोड़ता नहीं हूँ और लोगों के पास समय नहीं होता है, कोई बात नहीं भी होता है। और जब आपने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं आपका मनोबल नहीं तोड़ना चाहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँगा, मैं कर लूँगा। और बाद में पता चला कि कला मंच में आप कुछ कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो अगर आपने मुझे पिछले कल बता दिया होता तो ये कार्य वहीं पूरा होता। कोई बात नहीं, माता सरस्वती को जहाँ जैसा कार्य करना है वहाँ वैसा कार्य करवाती है, हम तो कठपुतली है उस मालिक के, जैसा वो नचाएगा वैसे हम नाचेंगे। राग में मस्त रहना, रंग में मस्त रहना।
संगीत की दुनिया है। इस संगीत की दुनिया में आप सभी को मालूम है, आप अकेले भी गुनगुनाओगे, आप बाथरूम में भी गाना गाओगे, कुछ भी कर, जब आप बहुत टेंशन में होंगे भक्ति गाओगे, कुछ करोगे या खुश होगे तो गाना गाओगे, गुनगुनाओगे। और संगीत इतना अपने आप को आनंदित करता है, आप देखते ही है, आप देख रहे हैं। और आज के टाइम में हमारे कल्चर में, किन्नौर में तो ऐसा है कि बगैर इस म्यूजिक के, बगैर ऑर्केस्ट्रा के, और जो म्यूजिशियन है और जो गायक लोग हैं, इनके बगैर जो है हमारा कार्यक्रम भी सफल नहीं होता है। तो आप जैसे लोगों का होकर जो यहाँ कला कर रहे हैं, जो यहाँ गाना गा रहे हैं, एक अंकल जी देख रहे हैं जीता जी यहाँ पर कितने खुशी से, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया किसने क्या गाया, एक छोटी बच्ची शीतल का थोड़ा गाना पसंद आया, इसकी आवाज़ पसंद आई, और अंकल का एक चीज़ पसंद आया कि इन्होंने गाने के लाइन को नहीं तोड़ा, ये लगातार गाने को ना जैसे एक गोल गोल रिंग होता है उसी में घुमा के रखा, और हम सभी उसी में ही घुमा के रखा। गाने का मतलब ये होता है, समझना है इसको, ऐसा नहीं कि रिंग छोड़ के चले गए, ठीक है। तो जब गाना गाते हैं ना आप लोग, तो ये समझना कि इनको भी ऐसे ही बांध के रखना है, ठीक है। हम सब बाहर दिखने वाले ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मदारी है, ठीक है, पकड़ के रखना है हमको इस तरह, अगर रस्सी छूट गई सब के सब चले जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, धन्यवाद आप सभी का। और मेरे साथ डॉक्टर साहब आए और पुलिस के कर्मचारी आए, आपका भी बहुत ज्यादा सहयोग रहता है, और जितना शक्ति है आपके लिए कम है। और उड़ान समाज सेवा ने हमारा स्वागत किया, इस वेलकम को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एक वेलकम शब्द होता है और एक वेलकम किया जाता है, घर पर भी हमने वेलकम लिखा होता है, छोटा सा शब्द लिखा होता है वेलकम। तो आपने उस वेलकम को हमारे आने में जो जाहिर किया, हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। आगे कभी भी मुझ नाचिस से, मैं छोटा सा कर्मचारी हूँ, कोई बड़ा कर्मचारी नहीं हूँ जी, आप सभी का सहयोग रहा, आप सभी का आशीर्वाद रहा, तो आगे भी चले जाते रहेंगे, आशीर्वाद भरपूर बनाए रखना। और जब भी कभी कोई भी काम ऐसा पड़ता है, सामाजिक काम पड़ते हैं, सामाजिक गतिविधियों में मेरी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, मैं बहुत खुश रहता हूँ सामाजिक कार्य करने के लिए, तो मुझे भी जरूर साथ ले चलिएगा, ठीक है, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और रही बात आप सभी दर्शकों की, आप सभी ने इतना समय दिया है और आप समझ रहे हैं कला प्रेमी हो आप लोग, आप सभी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जस्सा सुहाने के लिए दोबारा फिर एक बार, आप विश्वास नहीं करोगे, सुहान जी आप यहाँ बैठे हैं, सब देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब जजेस बैठे हैं यहाँ पर। तो जब सुहान जी ना एक बार शादी में गाना गाते थे ना, तो दो बार मैंने इनको टोका, याद होगा आपको है, कहीं शादी में गए थे कि ये ना जब गाना गाते थे तो बहुत बार ये पीठ दिखाकर गाना गा देते थे, मुझे नहीं पता था ये पीठ क्यों दिखा रहे हैं बार बार। देखो जजमेंट सही ना हो तो ऐसा भी होता है, मैं उस टाइम सोचता था कि ये सुहान ऐसा क्यों करते हैं, बाद में पता चला वो यहाँ पर ट्यून सेट करना पड़ता है। तो आज आप यहाँ बैठे ना, बहुत बड़ी खुशी हुई, आपका स्टूडियो है। और एक बहुत मजेदार बात है, शायद एक ये प्रोग्राम हम देखते थे पहले पहले, वो सोनी जी टीवी बहुत जगह देखते थे, तो मैं खुद अपने आप को देखता था, काश वहां पहुंचकर गाना गाते, बड़े गाना नहीं आता पर पहुंच कर ऐसा लगता था कि वो हम ही है दिल्ली में, तो आज जी टीवी में। तो क्या होता था, लोग स्टडी करते थे, पढ़ते थे, इतना सिंग सॉन्ग करके आते थे, और यहाँ पर तो बच्चे और जो यहाँ पर कलाकार है, यहाँ पर तो हमारे किन्नौर में ना कुछ सीखने की सुविधा है, ना आने जाने की सुविधा है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं, फिर भी आप इस टैलेंट से, इस चीज से उभर कर यहाँ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे आगे सीखना हो तो इनके शरण में अवश्य जाइए। देखो एक तो गुरु तो बनाना ही पड़ता है, बगैर गुरु का आदमी सक्सेस नहीं हो सकता, जितना बड़ा ज्ञाता हो, ठीक है, गिनती सबको आती है, एक आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो होगा एक, पर सीधा लिखना गुरु सिखाएगा, गुरु सिखाएगा, गुरु सिखाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए, और इस मंच पर बुलाने की खुशी में कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, तो बुरा नहीं मानना, बहुत कम छोटा सा राशि है,
तो डॉक्टर आनंद और मेरी ओर से आपको उड़ान सभा से सेवा के लिए आपको 5000 रुपए में भेंट करता हूँ, ठीक है। और जो कलाकार यहाँ प्रतिभागी रहेगा, जो प्रतिभागी यहाँ पर टॉप रहेगा, ठीक है, तो उनके लिए मैं निवेदन करता हूँ और जजेस के लिए निवेदन करता हूँ, हम सभी मिलकर जो शिमला का जो रिज मैदान है उस पर आशियाना है, वहां पर हम सभी इकट्ठे बैठ के कॉफी पियेंगे, ठीक है। और आप आगे बढ़ते रहिए, ऐसी जय श्री राम। कॉफी बहुत महंगी पड़ जाएगी। कोई बात नहीं सर, मैं तो अभी भी वेट कर रहा हूँ। हमारे अतिथि बलबीर जी का बहुत बहुत आभार। आपने इस मंच की मर्यादा को बताते हुए और कलाकारों को एक मैसेज देते हुए कि आप भी कलाकार हो, तो आइए मैं ऑर्केस्ट्रा टीम से निवेदन करता हूँ एक बार मंच में अपनी प्रस्तुति रखें। ऑर्केस्ट्रा टीम और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो आए हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें और इसके बाद आएंगे किशोरी लाल जी। ऑर्केस्ट्रा टीम जहां कहीं भी हो, मैं निवेदन करता हूं समय सीमा समय के अनुसार हमने इसको कवर करना है। बगैर ऑर्केस्ट्रा का कोई भी यहां पर हमारा मेला तीज त्योहार सक्सेस नहीं होता, जैसे कि हमारे भाई बलबीर जी ने कहा। तो आइए आगे की कड़ी को लेकर चलते हैं। हमारे भी आएंगे, शुरू किया जाए किशोरी लाल जी। किशोरी लाल जी, मुझे लगता है आज आप स्वस्थ होंगे, आपका जो है बुखार खत्म हो गया होगा। तो चलिए सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन और मेरे तीनों जजेस को मेरे ओर से नमस्कार। और प्यारी सी ऑडियंस, जितने भी जो आए हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा मेरे गांव से मेरी पूरी फैमिली आज टॉप 10 में पहुंच के, मेरी पूरी फैमिली आज जो है मेरा शो देखने के लिए आए हुए, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। Yeah।
लेकिन याली याली कर रहे थे, दूसरी बार याली कर रहे थे ना, तो वो कहीं और ही थे यार। ठीक है, आपने जाना भाई था जा रहे हो आप तो, है ना? सुर का ध्यान दो, बाकी बहुत बढ़िया गाया। ठीक है, वो याली बाहर था बिल्कुल। ठीक है सर, है ना? ठीक है, नेक्स्ट राउंड पे सुर को सब का ध्यान रखना है, है ना? सुर का नहीं, सुर का। ठीक है, सुर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी सर, क्या आप म्यूजिक को अगर आपको कोई सिखाता है, आप किसी सीखना चाहेंगे अभी इस उम्र में? जी सर, पक्का? पक्का, जोरदार तालियां। मतलब इस एज में भी इतना जुनून और एक वो इतना पैशनेटली, मेरे को इनको एक्चुअल में पता है कि ये कैसा गा रहे हैं, क्या गाते हैं, इनको पता है कि मुझे सीखने की जरूरत है और मुझे सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात ही है कि जिसको जब ये समझ आ गया चीज की मुझे सीखना चाहिए, मैं भी, मुझे भी लगा था एक टाइम पे, और मुझे अब भी लगता है कि मैं अब जीरो हूँ, अब सीखना है मुझे, अब भी ऐसा लगता है। और आपके अंदर ये बात है कि आपको लग रहा है आपको सीखना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। जब आप ऐसे सोचिए कि नहीं मुझे सीखना नहीं, जो चल रहा है ठीक है, तब फिर वहीं पे जाएंगे। नहीं सर, मैंने सीख लिया। बिल्कुल, क्या बात है, जरूर बता रहे और अच्छे से गाना आपने। वैसे बहुत टफ गाना है, बहुत ही टफ गाना मेरे ख्याल से। सर ये आपने गाया? मैंने तो नहीं गाया, तो बहुत लोग गया, पर मैंने भी गाया इस गाने को, और ये मेरा फेवरेट गानों में से एक है कि इसका कॉम्पोजिशन बहुत टफ है। मैं चाहूंगा दो लाइन में आप सबके साथ ये गाना अगर गाकर शेयर करूं। मैंने हर उस पे स्टेज पे इस गाने को गाया है। जी जी, thank you.
तो ये होता है कंपटीशन और मेहनत। आज आपने एकदम सुनो अभी जाओ, आज आपने सॉन्ग सिलेक्ट जो किया फर्स्ट राउंड में, आपकी और जो परफॉर्मेंस थी और सुर में एकदम सुर में और बीच में इतनी प्यारी प्यारी हरकत कि मैंने कभी आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं की चीज, मैं सच बता रहा हूँ। और एक बात, हमारे जो किनौरी फोक होता है वो सिंपल जो गोल या भूचाल होते हैं उस पर बचता है, छह माला उस पर गाना बहुत ईजी होता है। अब यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा जब लगता है तो आपका फोक इंस्ट्रूमेंट साथ नहीं कर रहे हो, और जब वहां से ढोलक पे रेला तिहाई बज रही है उसके साथ सामने आना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो यहाँ के आर्टिस्ट कर रहे हैं सबसे बड़ी बात, और इतनी खुशी हो रही है उसके एक बार जोरदार ताली, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिया आज आपकी, बिल्कुल खुश हो गए। आगे आपने ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होके बिल्कुल ऐसे ही गाना है और ऐसे ही मेहनत करना है आपसे, ओके आपने बहुत अच्छा गाया, ठीक है। अब जैसे सुभाष भाई ने बोला कि उम्मीद नहीं थी, सच में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ लोग टिप्पणी तो वैसे सभी करते हैं, पर हमने कमेंट देखा था कि कहते हैं कि जगमोहन सापनी वाले को आपने क्यों सिलेक्ट किया, तो आपसे मैं देख बिल्कुल दिया जिससे ऊर्जा आती है और एक ओवर कॉन्फिडेंस होती है जिससे ऊर्जा खत्म होती है, ये दोनों ध्यान दीजिए। तो आइए, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है अरविंदर जी, छोटा बच्चा अब बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, आपको स्वागत। Yeah।
एक और बार तालियां बजाओ। अभी रेला बजा था, रेले के बाद क्या शब्द क्या थे वो, हाँ जो भी आप गाना गा रहे थे, ठीक है, याली के बाद जो भी शब्द बजा एकदम सब से उठा रही है, यहाँ पे कोई नहीं उठा रहा है। आपने बहुत बढ़िया किया। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, सब कुछ ठीक है, कमी पता है कहाँ पे है, ये नहीं करना है, इसको ज्यादा वाइब्रेट नहीं करना ज्यादा, ठीक है, वाइब्रेशन कम रखो, इससे सब ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है, बाकी बहुत अच्छा। और आपको मैं खुद सिखाऊंगा, ठीक है ना, कोई तारीफ जब आप इस उम्र में इस लेवल का टैलेंट, बोलते ना टैलेंट की कोई उम्र नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, पूरा किन्नौर, पूरा हिमाचल, ऑल ओवर इंडिया, पूरा लाइव देखा जा रहा है आपको, पब्लिक रिस्पांस, लोगों का रिस्पांस जो लाइव देख रहे हैं उनसे आपको पता लग गया होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। और इतनी डीपली इतना ऐसे गाने थे बिल्कुल डूब के, मतलब सुनने वालों को मजा तब आएगा जब आप मजे लोगे गाओगे उस चीज को, जब आप डूब के या मजे लेंगे उसको नहीं गाओगे, खुद से सिर्फ निभाने के लिए गाओगे तो सुनने वाले को भी ऐसे लगेगा कि आप निभा रहे हो। जब तक आप परफॉर्मेंस को खुल मजे लेके नहीं गाओगे ना उसमें घुस के, और मजा आ गया, क्या सॉन्ग सिलेक्शन था, क्या गाया, इतनी छोटी उम्र में इतना टफ, और ऐसे आवाज आपकी ऐसे कंट्रोल में ऐसे कर रहे हो, सुर से बाहर नहीं जा रहे हो, सबसे बड़ी बात आगे सीखना है ना बहुत। और रेले के बाद एक बार बजाना पवन भाई, एक बार फिर से बजाना रेला, ये था जी।
Thank you.
सुर में था लेकिन गाने की सिलेक्शन बहुत गलत थी। आपको ऐसा गाना गाना चाहिए था जो आपके गले के लिए सूटेबल हो, मतलब जो चीज हम देखना चाहते थे वो इस गाने में नहीं देखी क्योंकि बिल्कुल कम है। और आज ऐसा हो रहा है कि उम्मीद है वो हमें डिसअपॉइंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट राउंड में आप करना और गाने की सिलेक्शन ऐसे रखना जो आपके गले के लिए सूट करे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो ये पहला राउंड हमारे बीच में गेस्ट है अतिथि डायरेक्टर गुरदेव जी। दो शब्द आज के इस आयोजन पर अपनी प्रतिक्रिया रखें जनता के समक्ष, क्योंकि आपने हिमाचल किन्नौर को प्रमोट करते हैं कल्चर को लेकर। आपका स्वागत है डायरेक्टर गुरदेव जी। बजोर दर्शन डाले हमारे अतिथि महोदय के लिए। सभी को, जितने भी मुझसे यहाँ पे बड़े हैं, मैं सभी को पहले प्रणाम और सत श्री अकाल कहना चाहूंगा मेरी तरफ से और आपकी तरफ से जुड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जो मुझे लाइव देख रहे हैं उन्हें बहुत सारा प्यार। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। आपने देखा होगा बहुत से कलाकार जिन्होंने कल अच्छा परफॉर्म किया था, आज उन्होंने ठीक ठीक परफॉर्म किया, क्योंकि कल वाला जो स्तर था वो थोड़ा डाउन था, लेकिन आज है फिनाले तो आज स्तर थोड़ा बड़ा है और सारे जो जजेस हैं वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक जो फाइनल में अब किन्नौर आइडल बनना है, थोड़ा नाम भी देखो कितना बड़ा है, तो आपको परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से देनी पड़ेगी। शायद मुझे लगता है कि बहुत लोग जो मैंने ऑब्जर्व किया, शायद कुछ लोग थोड़े कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ हमने कल अच्छा गाया आज भी अच्छा ही गाएंगे, मुझे ये लगा। और कुछ लोगों ने फंबल किया यहाँ पे आगे, कल बहुत अच्छा गाते फील वाइब अच्छी थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं और को जो मेंटिंग हो मुझे ना फंबल ना। अपना देखो, अपना करो जैसा आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जैसा कल कर रहे थे वैसा ही दो, बहुत अच्छा था। आप लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं या कुछ जो भी है वो मत रखो, आप लोग बहुत अच्छा गा रहे हो वैसे ही करते रहो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो सेकंड राउंड है उसमें आप लोग बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाए और ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। आप सभी बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कल से लेकर जब से मैं आया हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे और बहुत ज्यादा अच्छा गाएंगे सेकेंड और थर्ड राउंड। और मैं जो हमारे गेस्ट हैं मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहूंगा, हमारी मुलाकात नहीं हुई है पहले बट आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और किन्नौर में राम भगत जी हमारे सर बड़े हैं, उनसे जितने भी है जिन्होंने मेरा स्वागत किया, उगांस मां सेवा शुभान जितने भी है, नीरज भैया सुहान सर जितने भी है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा पहला राउंड था, सेकेंड राउंड है, थर्ड राउंड है। दो प्रकार के ऊर्जा होते हैं, कॉन्फिडेंस वाला ऊर्जा और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस को खोने वाला ऊर्जा। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें, मिलेंगे 20 मिनट के बाद आप लोगों के साथ, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, धन्यवाद।